बेटा हुआ है। मैंने हमारे बेटे का नाम रोहित रखा। कौन करेगा स्टंट कोरियोग्राफी? आखिर कब शुरू होगा फिल्म का काम? फिल्म डायरेक्टर राकेश रोशन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 को लेकर सुर्खियों में चल रहे हैं। इस फिल्म में वो डायरेक्शन का काम संभालेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस फिल्म में बॉलीवुड के एक्शन सुपरहीरो ऋतिक रोशन और बॉलीवुड से हॉलीवुड तक सफल रह चुकी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में अपने शानदार अभिनय का प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। इस फिल्म के जरिए ऋतिक रोशन फिर से अपने सुपरहीरो वाले अंदाज में वापसी करने वाले हैं और ऑडियंस उन्हें इस रोल में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। क्रिश फ्रेंचाइजी की अब तक 3 फिल्म्स रिलीज हो चुकी हैं और तीनों ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं और अब क्रिश 4 की रिलीज को लेकर ऑडियंस में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास क्रिश के ऑडियंस के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि मेकर्स इस फिल्म की अनाउंसमेंट कर चुके हैं और ये फिल्म जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग जून के महीने से स्टार्ट की जा सकती है। फिल्म में ऋतिक रोशन कई खतरनाक और यूनिक स्टंट्स करते हुए नजर आएंगे जिसके लिए वो जून के मंथ से ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। बॉलीवुड के मशहूर स्टंट कोरियोग्राफर परवेज शेख ऋतिक रोशन को ट्रेन करेंगे और साथ ही कुलदीप भी उन्हें जून के मंथ से रोज शाम को 2 घंटे ट्रेनिंग देंगे। वैसे तो ऋतिक रोशन खुद ही इतने एक्सपीरियंस्ड हैं कि उन्हें किसी भी ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्टंट को करने से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेना जरूरी है। फिलहाल ऋतिक रोशन अपनी अपकमिंग फिल्म विक्रम वेदा की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं और इस फिल्म के शूट कंप्लीट होने के बाद वो सिद्धार्थ आनंद की एक्शन फिल्म के कुछ बचे हुए सीन्स को पूरा करेंगे। इन सभी फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद ही वो क्रिश 4 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। राकेश साहब के निर्देशन में बन रही फिल्म क्रिश 4 2023 के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज की जा सकती है। क्रिश फ्रेंचाइजी की ऑडियंस में कई सारी उत्सुकता है इस फिल्म के रिलीज को लेकर। तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।